कोरोना संक्रमण से लगभग निजात पाते दिख रहे गाजीपुर पर एक बार फिर संकट के बादल दिख रहे हैं। मुंबई से आए 4 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह अब तक कुल एक्टिव संक्रमित की संख्या 8 हो गई है। मुंबई से आए 4 और प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। डीएम का कहना है कि गाजीपुर में अब भारी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, वो भी ऐसी जगहों से जहां कोरोना का असर ज्यादा है। डीएम ने लोगों से कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की है। जानकारी के मुताबिक भूड़कुड़ा, बिरनो के मोहनपुरा, मनिहारी ब्लॉक के चौकड़ी चौरा, नंदगंज के राजूपुर, सिरगिथा, करंडा के कुचौरा तथा मनिहारी ब्लॉक के सराय गोकुल गांव में एक एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब तक देखें तो गाजीपुर में कुल 14 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसमें से 6 ठीक भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब और एहतियात के साथ सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। गुरुवार की सुबह 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बाद लोग सशंकित हो उठे हैं। मेडिकल टीम संक्रमितों को उपचार के लिए वाराणसी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल भेजने की तैयारी में जुटी है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि डीएम इस बारे में क्या कह रहे हैं। अभी जो प्रवासी श्रमिक हमारे लौट के आ रहे हैं, उनमें से 8 नए केसेस हमारे जनपद में आए हैं। 6 पहले केसेस थे जो जमाती आए थे, वो सारे केसेस हमारे रिकवर हो गए, 100% हमारे यहाँ रिकवरी है। 8 नए केसेस आए हैं, ये सारे के सारे लोग क्वारंटाइन हैं, इनको हम लोग वाराणसी शिफ्ट कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं उन राज्यों से जिन राज्यों में कोविड ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। तो मैं जनपद के नागरिकों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि लोग प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, लोगों से मेल मिलाप ना करें। लोग जिस तरह से लॉकडाउन में अभी तक लोगों ने जिस तरह सहयोग किया उसी तरह से सहयोग करें, और अभी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आएंगे और ये चैलेंज सभी लोगों के सामने रहेगा कि उन सारे लोगों से, उनमें से जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनसे जनपद में किसी अन्य को भी संक्रमण ना हो पाए, यही हमारा प्रयास है। और इसमें सभी लोगों को सहयोग देना होगा, बिना जनता के सहयोग के, बिना जनता के जागरूक हुए इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सारे के सारे लोग निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ, घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क लगा के निकलें, रुमाल लगा के निकलें, टाइम टू टाइम अपने हाथ को साफ करें साबुन से, और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा के रखें। जो चिकित्सकों की परामर्श है, जो आयुर्वेद के परामर्श है, उसको भी अपनी आदत में शुमार करें, अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ये जो अभी आवागमन का चक्र है, लोग जो आ रहे हैं, इससे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निपट सकने में सक्षम हो पाएंगे। सर ने प्रत्येक ग्राम स्तर पर निगरानी समिति गठित की है, उसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष हैं, हमारे जो वहाँ के ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं उसके सदस्य हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी निगरानी समितियाँ बिल्कुल पूरी जवाबदेही के साथ, पूरी सतर्कता के साथ गाँव में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना हमें दे रहे हैं, और हम लोग ऐसे लोगों को कि उनकी जांच करा रहे हैं और उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी मैं निगरानी समिति को आपके माध्यम से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि वो लोग इस पर सतत निगरानी रखें। यदि कोई व्यक्ति बाहर से गांव में ऐसे साधनों से आ जाता है जिनको हम नहीं किसी कारण से देख पा रहे हैं, पैदल आ जा रहा है या नाव के माध्यम से कहीं से आ जा रहा है, तो उसको तत्काल हमारे स्थानीय थानाध्यक्ष को, हमारे स्थानीय पीएससी सीएससी के डॉक्टर को, हमारे एसडीएम को, या हमारे कंट्रोल रूम को, या हमें स्वयं ही वो अवगत कराएं, जिससे कि तत्काल हम लोग उनको अपने रडार पे लें, उनकी जांच कराएं, और यदि उनमें किसी भी तरह के लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के तो उनको तत्काल हम लोग उसकी रेमेडी ढूँढें, और यदि कोई लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं तो उनको हम फिर होम क्वारंटाइन जाने के लिए छोड़ दें। सर में 8 एक्टिव केसेस हैं जो पॉजिटिव है, अभी ये पिछले 3 दिन की प्रगति है। तो सुना आपने, आने वाले समय में प्रवासियों की संख्या बढ़ने वाली है,
ऐसे में जरूरी है कि गाजीपुर शहर और पूरा जिला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, साथ ही अपने आसपास नजर भी बनाए रखें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसी ही खबरों को पहुंचाते रहें।